गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। मैं आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश। आप लोग एमएससी जो हॉर्टिकल्चर थर्ड सेम सेकेंड ईयर के छात्र हैं, हॉट 506 कोर्स कोड एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कट एंड लूज फ्लावर्स योर कोर्स नेम। यूनिट टू, दिस इज ए प्रैक्टिकल पोर्शन, यह प्रैक्टिकल का भाग है। यूनिट टू आज हम डिस्कस करेंगे मैन्यूर एंड मैन्यूरिंग पार्ट वन, जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैन्यूरिंग एंड मैन्यूर एप्लीकेशन मेथड के बारे में जानेंगे। दिस इज ए लेक्चर ऑफ 43 लेक्चर है टोटल, भाग आज पाँच वर्ष से। असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर आई टी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश। जैसा कि अभी COVID-19 महामारी के प्रकोप के चलते हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ रहे हैं। यह प्रैक्टिकल का भाग है जिसमें मैं आपको पिक्चर्स के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से पैटर्न, जैसे मैन्योर और मैन्योरिंग का जैसे ऑब्जेक्टिव्स है, प्रिंसिपल ऑफ मैन्योरिंग है एंड मैन्योर एप्लीकेशन मेथड्स है, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। चलते हैं सबसे पहले आउटलाइन की तरफ। मैन्योर एंड मैन्योरिंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले आउटलाइन में हम जानेंगे डेफिनेशन मैन्योर एंड मैन्योरिंग। इसके बाद हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैन्योरिंग। आफ्टर दैट मैन्योर एंड मैन्योर एप्लीकेशन मेथड्स, ट्रेडिशनल मैन्योरिंग, सरफेस ब्रॉडकास्टिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सरफेस ब्रॉडकास्टिंग, पिट मैन्यूरिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पिट मैन्यूरिंग, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैन्योर एंड मैन्यूरिंग, मैन्योर मैन्योर इज ए ऑर्गेनिक मैटर डेरिवेट फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, किचन रेसिड्यू, वेजिटेबल रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू, इटीसी, यूज टू इम्प्रूव द सॉइल quality and increase the yield of healthy crops। मैन्योर की अगर बात करें तो खाद जो है कैसा है, ऑर्गेनिक मैटर है, किसके द्वारा, डिकम्पोजिशन के द्वारा। जिस प्रकार से अगर बात करें कि एनिमल्स के वेस्ट जो होता है, हमारा पशुओं का जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल्स जो हमें प्राप्त होता है पशुओं से या किचन से, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर जो सब्जियां जो होती है, जब हम इनको काटते हैं छीलते हैं तो जो भी हमारा मटेरियल्स जो बचता है, या वेजिटेबल का जो रेसिड्यू है या क्रॉप रेसिड्यू है जो क्रॉप्स को काटने के बाद जो बचता है, और इसके अलावा बहुत सारा जो जिसका हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं या डिकम्पोज जो हो जाता है एज ए, इसका यूज करते हैं इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ हेल्थ क्रॉप। तो इसका जो हमारा यूज किया जाता है सॉइल की इम्प्रूव करने के लिए, सॉइल की क्वालिटी को, और इंक्रीज द यील्ड हेल्थी क्रॉप्स। मैन्योरिंग की अगर बात करते हैं, मैन्योरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूट्रंट लाइक ग्रीन मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर FYM, कंपोस्ट मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट ETC, फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप। अगर हम बात करें मैन्यूरिंग की, तो ये क्या है, एडिशन, प्रोसेस ऑफ एडिशनल ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्रीन मैन्यूर, फार्म यार्ड मैन्यूर, कंपोस्ट मैन्यूर, वर्मी कंपोस्ट ETC, फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप।
तो ये जो हमारे डेफिनेशन है कि हम उनका खाद किस प्रकार से यूज किया जाता है हमारे सॉइल के। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टू वर्क विद इन नेचुरल सिस्टम्स एंड साइकल्स टू मेंटेन और इंक्रीज लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एज फार एज पॉसिबल टू यूज रिन्यूएबल सोर्सेस टू नॉन रिन्यूएबल सोर्स। प्रिंसिपल्स की बात करें तो ऑप्टिमाइजिंग न्यू प्लांट रिसाइकलिंग बाय यूजिंग मैन्यूअल्स टू बेस्ट इफेक्ट बैलेंसिंग न्यूट्रिएंट्स विद इन द रोटेशन फीडिंग द सॉइल रदर देन द प्लांट। तो यहाँ पे अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैन्यूरिंग तो सबसे पहला जो हमारा निकल के आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स जो है वो टू वर्क विद इन नेचुरल सिस्टम एंड नेचुरल सिस्टम्स और साइकल्स। इसके अलावा टू मेंटेन और इंक्रीज लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ तो जो क्या होता है फर्टिलिटी को बढ़ाता है लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी को बना के रखता है सॉइल में या तो मेंटेन भी करता है साथ ही साथ में इंक्रीज करता है क्योंकि जो मैनुअल जो हम यूज करते हैं वो धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और उसको मेंटेन करता है पोरोसिटी भी बढ़ाता है जिससे क्या होता है रूट का डेवलपमेंट किसी भी क्रॉप का प्रॉपरली होता है और इसके साथ ही साथ में उसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। एज फार एज पॉसिबल टू यूज रिन्यूएबल सोर्स इन प्रेफरेंस टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। प्रिंसिपल्स Optimizing nutrients recycling by using manure to best effect. Balancing nutrients within the rotation, feeding the soil rather than the plant. Manure application methods. The application of manures is being done in various ways around the world. The method adopted by various farmers and in various countries. However, manure is classified in two classes. These are traditional manure and high-tech manure. The application जो है methods use करने की जो manure को यूज करने की जो मेथड है वो हमारी दो प्रकार से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ट्रेडिशनल मैन्योरिंग एंड नेक्स्ट हाई टेक मैन्योरिंग। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ट्रेडिशनल मैन्योरिंग जो है किस प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर डन थ्रू ट्रेडिशनल दीज इंक्लूड सरफेस ब्रॉडकास्टिंग पेट मैन्योरिंग ब्रॉडकास्टिंग विद इनकॉर्पोरेट। यहाँ आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इसको जो खाद है किस प्रकार से हम उसको ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। सरफेस ब्रॉडकास्टिंग सबसे अच्छा उदाहरण आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में किस प्रकार से इसको सरफेस के ऊपर फैला दिया था द मैनर जो आप broadcasted over the surface of the building. After broadcasting, the manure is left to incorporate in the soil on its own. Usually done after plowing and harrowing operations. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ट्रैक्टर्स के द्वारा इसकी ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है मैन्यूरिंग सर्फेस के ऊपर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सरफेस ब्रॉडकास्टिंग। हम बात करते हैं कि इसके क्या एडवांटेज हैं सरफेस ब्रॉडकास्टिंग की और क्या डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज के सबसे पहले बात इट इज इजी टू परफॉर्म लेस लेबर और नो मैकेनिकल इज
कोस्ट ऑफ मैनर इंग्लिश, जहाँ आप देख पा रहे हैं कि इजी परफॉर्म कर सकते हैं उसको, कम लेवर की आवश्यकता पड़ती है, किसी प्रकार से ज़्यादा मैकेनिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती मैकेनिकल, और कोस्ट ऑफ एनर्जी लेस कम। डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं, रिक्वायर मोर टाइम फॉर द मैनर्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस सोइल, मच ऑफ द नाइट्रोजन एंड सब अदर न्यूट्रंस आर लॉस्ट टू द एटमोसफेयर। डिसएडवांटेज, पिट मैथड, नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारी पिट मैथड। पिट मैथड इट्स यूजली डन इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। पिट मैनोरिंग इज यूजली डन इन हॉर्टिकल्चर। गड्ढे में हम जब खाद को डालते हैं तो प्रॉपरली हम एक स्पेस में जो हम गड्ढा बनाते हैं उसमें प्रॉपरली हम यूज। ये पिट ऑफ यूजली 1 x 1 x 1 मीटर का या 1.5 x 1.5 x 1.5 मीटर इज डक। द सॉइल एंड द टिप इज लेफ्ट टू ड्राई फॉर 15 to 20 days। The pit is then filled with a mixture of 50% soil and 50% man. The pit is again left for 5 to 10 days so that the soil settles. The nutrients in the manure also incorporates into the soil. The plant is then planted into the pit. पिट मैन्योरिंग जो है एक प्रकार से अगर बात करें कि मोस्टली जो यूज की जाती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में यूज की जाती है, पहला विषय। दूसरा हमारा है कि इसको हम 1 x 1 मीटर का जो गड्ढा होता है यह हम 1.5 मीटर का 1.5 x 1.5 x 1.5 मीटर का हम गड्ढा खोदते उसमें। इसके अलावा जो है द सॉइल एंड द पिट इज लेफ्ट टू ड्राई फॉर 15 to 20 days। द पिट इज देन फिल्ड विद ए मिक्सचर ऑफ 50% सॉइल एंड 50%। द पिट इज अगेन लेफ्ट फॉर 5 to 10 days सो दैट द सॉइल इन इट सेट। द न्यूट्रिएंट्स इन द मैन्योर आल्सो इनकॉर्पोरेट इनटू द सॉइल। द प्लांट इज देन प्लांटेड इनटू द पिट। यहां आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से गड्ढे खोदे जाते हैं और किस प्रकार से इसमें मैन्योर डाला जाता है। पिट्स बीइंग डग, किस प्रकार से डग गड्ढा को खोदा जाता है। दूसरी पिक्चर जो आप देख पा रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ प्लांट्स इन पिट्स, गड्ढों में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं वो देखो। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पिट मैनर। एडवांटेज क्या है इसके, लो रिक्वायरमेंट ऑफ मैनर, लेस वेस्टेज ऑफ मैनर। Disadvantage, a lot of labor is required. Cost of cultivation is more. तो यहां अभी आपने देखा, तो यहां जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पिट मैनर। तो एडवांटेज जो है वो लो रिक्वायरमेंट ऑफ मैनर, कम
किसकी कम आवश्यकता पड़ती है हमें, मैनर की कम आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा लास्ट वेस्टेज ऑफ मैनर कम से कम क्या होता है वेस्टेज, क्योंकि हम जब प्रॉपरली गड्ढों में अगर हम बात करें कि जब हमने पिट्स गड्ढे या जब हम खोद लेते हैं और उसमें जब हम मैन्योर को डालते हैं तो प्रॉपरली रूप से क्या होता है हमारे गड्ढों को और हमारे रूट पौधे की जो रूट्स होती हैं वह प्रॉपरली प्राप्त हो जाता है, वो किसी प्रकार से वेस्ट नहीं जाता है क्योंकि प्रॉपरली हम उसका यूज। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो कौन सा है, ए लॉट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मोर। तो लेबर की आवश्यकता पड़ती है और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी ज्यादा। तो आप लोगों ने देखा पिक्चर्स के द्वारा किस प्रकार से इसमें किस प्रकार से गड्ढों को खोद के बनाया गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी छात्र घर पर रहकर ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा प्रत्येक क्लास अटेंड कर रहे हैं। COVID-19 की महामारी के प्रकोप के चलते हम लोग एक साथ ऑफलाइन न होकर ऑनलाइन मोड में, और जैसा कि आप लोगों के साथ बाई वेबिनार के द्वारा हम लोग आप लोगों के साथ क्लासेस कर रहे हैं डेली, PPT वीडियो के अलावा हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्र घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी छात्र का नुकसान ना हो और IT यूनिवर्सिटी के द्वारा LMS के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिससे किसी भी छात्र का नुकसान ना हो सके, जिसमें हम ऑनलाइन वेबिनार के द्वारा वीडियो PPT के द्वारा हम आपके साथ में मिलते हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया और हम काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिकल का पोर्शन भी कंप्लीट करें। हमारा सेकेंडरी रोड से फर्स्ट वीडियो और इस प्रकार से हम आप लोगों के साथ क्लासेस शेयर करते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं आपके, थैंक यू आप सभी छात्रों का।